नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक नवविवाहिता की मौत होने पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप मायके पक्ष ने लगाया है। उल्लेखनीय है कि एक महीने पहले ही 24 जून को नवविवाहिता की शादी हुई थी। मृतका के भाई भैरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि उनकी बहन प्रीति की शादी 24 जून को अटारी खेजड़ा निवासी अमर सिंह के परिवार में हुई थी। उस वक्त दहेज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। शादी के कुछ दिन बाद से ही प्रीति को परेशान किया जाने लगा, दहेज के लिए मेरी बहन की हत्या की गई है। अभी रात के 11:30 के आसपास फोन आया मेरे पास मेरी बहन का, और आवाज़ थोड़ी ऊँची लग रही थी। सूचना मिली तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों अपनी मोटरसाइकिल से निकले और सीधे अटारी खेजड़ा पहुँचे उनके घर पर। उनका गेट खुलवाया, सभी लोग वहाँ पर जाग रहे थे पहले से, और मेरी बहन जिस कमरे में थी मैं उस वहाँ पर पहुँचा। मैंने स्थिति देखी, पूरे कमरे में उल्टियाँ और गंभीर स्थिति मेरी बहन की थी, और उनके हस्बैंड वहीं पर बैठे थे, उनके पति, लेकिन कर कुछ नहीं रहे थे। बड़े भाई भी आ गए, उनके छोटे भी आ गए, उनकी मम्मी भी थी, उनके घर एक ननंद है जो मौसी की लड़की है वो भी थी, और सभी लोग थे, उनकी भाभी भी थी वहाँ पर। क्या लग रहा है आपको पूरे इस घटना में? उन लोगों ने मारा है, उन लोगों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, बार बार उसे डराया गया है, धमकाया। विजय रघुवंशी विद्रोही के साथ राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।